Hello and welcome dear students to Unacademy's JEE channel. You are watching JEE Live daily. और आज तो बहुत ही बड़ी खबर है बच्चों मेरे पास आप लोगों के लिए. हमारी फैमिली जो है, हमारी जो Unacademy JEE की फैमिली है, वो 2 लाख सब्सक्राइबर्स की हो चुकी है. बहुत बड़ी फैमिली हमारी हो गई इतने जल्दी. और इसमें डेफिनेटली बच्चों हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन आपने भी हमारा बहुत साथ दिया है, उसके लिए थैंक यू वेरी मच, है ना. दिस इज़ रिमार्केबल. अगर आप पता करोगे तो इतने जल्दी किसी भी चैनल ने इतनी ग्रोथ नहीं दिखाई है. तो डेफिनेटली यहां पर मुझे लगता है कि यहां पर जो हम मेहनत कर रहे हैं वो आप सब लोग भी काफी अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हो इस चीजों को. ये जो हम यहां पर कर रहे हैं इसको आप फैला भी रहे हो काफी अच्छे तरीके से, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं था इतने छोटे टाइम में. सो थैंक यू ऑल वेरी मच एंड लेट अस ट्राई टू मेंटेन दिस मोमेंटम. ठीक है, इस मोमेंटम के साथ में अगर हम चलते रहेंगे तो 2020 वाला भी एडवांस क्रैक करेंगे, 2021 वाला भी एडवांस हम पक्के से क्रैक करेंगे. ठीक है, ऑलराइट. तो यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम पढ़ रहे हैं. तो ये जो सेशन चल रहा है बच्चों, ये वैसे फोकस्ड 11th क्लास के बच्चों के लिए है, लेकिन मैं जानता हूं यहां पर काफी सारे ड्रॉपर्स भी होंगे और काफी सारे 12th के बच्चे भी होंगे जिन्होंने 11th में थोड़ी सी कम पढ़ाई की है. ठीक है, तो बस मेरे ख्याल से यहां पर जो सारे बच्चे हैं सभी के लिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट चल रहा है. ऑलरेडी हमारा लेक्चर नंबर 4 है बच्चों. ठीक है, ऑलराइट, लेक्चर नंबर 4, यस, है ना. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स. यहां पर थैंक यू वेरी मच फॉर योर एप्रिसिएशन एंड गुड विशेस. यस, ऑलराइट. चलो तो कितने लेक्चर्स में क्वाड्रेटिक खत्म होगा, बस ज़्यादा वही बचा नहीं है. आज के लेक्चर के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा बचने वाला है, विच इज़ पोजीशन ऑफ रूट्स या फिर लोकेशन ऑफ रूट्स. यस, वो करने के बाद हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा एंड की तरफ आएगा, लेकिन सिलेबस हमारा अभी बस स्टार्ट ही हुआ है, क्योंकि क्वाड्रेटिक खत्म होते से ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, विच इज़ सीक्वेंसेस एंड सीरीज. ठीक है, ऑलराइट, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट ऑल्सो. उसके अंदर तो IIT बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछता है. ठीक है, तो उसको डिस्कस करने में मज़ा भी आएगा, उसको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा. लेकिन आज हम जो टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक. ठीक है, तो लास्ट क्लास में लेक्चर 3 में हमने ग्राफ अच्छे से पढ़ लिया था, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे. देखते हैं और क्या उससे रिलेटेड, ग्राफ से रिलेटेड हम क्वेश्चंस आज कर सकते हैं. ठीक है, ऑलराइट. तो आई नो कि यहां पर हमारी जो फैमिली जिस स्पीड से बढ़ रही है, काफी सारे बच्चे आज हमें नए ज्वाइन कर रहे होंगे, उनके लिए बता देता हूं कि आई एम समीर चिंचोलीकर, आई एम द मैथमेटिक्स मेंटर ऑन दिस चैनल एंड आई हैव डन माय बीटेक एंड एमटेक फ्रॉम IIT रुड़की और काफी सालों का एक्सपीरियंस है. 10 साल से ज्यादा मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों को और काफी बच्चे पढ़ के IIT क्लियर कर चुके हैं, है ना. और बिल्कुल ऐसा ही एक्सपीरियंस हमारी बाकी टीम के पास भी है. जयन सर, पारस सर, नमो सर एंड मायसेल्फ, वी आर पार्ट ऑफ Unacademy's JEE टीम जो यहां पर आपकी मदद कर रही है बच्चों. ठीक है, ऑल राइट. सो आई थिंक आपने आज नमो सर और पारस सर के लेक्चर्स ऑलरेडी अटेंड कर लिए हैं, ऑलरेडी आपने काफी कुछ सीख लिया है, लेकिन अभी क्लास खत्म नहीं हुई है. आज हमारी लास्ट क्लास जो है दैट इज फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक. यस, ऑल राइट, ऑल राइट. चलो चलो, यहाँ पर कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर काफ़ी नींद आ रही है. बच्चों नींद नहीं आना है, नींद नहीं आना चाहिए. ठीक है, ऑल राइट. ऑल दो हमारा टाइम 9 to 10 है, लेकिन मेरे ख्याल से काफ़ी दिनों से हम पढ़ रहे हैं तो अब तो आदत लग गई होगी आप लोगों को इस टाइम पर पढ़ने की. ठीक है, सो टेक आउट योर पेन एंड पेपर, हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. उसके पहले बस ये बता देता हूँ कि हमारा शेड्यूल कैसा रहने वाला है. तो आज और कल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, लेट अस सी हम कंप्लीट कर पाते हैं, अदरवाइज वी विल डिवोट 1 मोर लेक्चर. कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, इफ यू वांट टू डिस्कस फ्यू मोर क्वेश्चंस, कुछ अच्छे क्वेश्चंस अगर डिस्कस करना है, अगर मुझे ऐसा लगता है तो आई विल टेक अ 1 मोर लेक्चर आफ्टर लेक्चर नंबर 5. लेकिन क्वाड्रेटिक हम पूरा करके रहेंगे. ठीक है, तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री और क्वाड्रेटिक अगर हो जाता है तो दैट विल फॉर्म द बेस ऑफ एंटायर मैथमेटिक्स, जिसके ऊपर अब आप नई नई चीज़ें पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, ऑलराइट. और यहाँ पर बच्चों हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट होने वाला है. मैं जानता हूँ कि आपने अभी अभी पढ़ाई स्टार्ट की होगी 11th की, तो अभी एकदम से तो मैं आपको लिमिट्स देखने के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन लिमिट्स आपका 11th का टॉपिक है. तो अगर कोई बच्चे देखना चाह रहे हैं तो वो ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन कहां पर है, 12th के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कैलकुलस के सारी चीजें एक साथ बच्चों को देखने को मिले. सो दैट्स व्हाई आई हैव ऑलरेडी टॉट दैट इन 12th स्टैंडर्ड. तो आप उसी वीडियो को फॉलो करके लिमिट्स सीख सकते हो बड़े अच्छे से. ऑलराइट, आई हैव डाउट. यस यस, डाउट्स तो काफी सारे होंगे. यस, ऑलराइट, देखते हैं. चलो, IIT बॉम्बे जाना है. यस, ऑल राइट. मोनी सिंह ही इज़ फ्रॉम भोपाल. ऑल राइट, दैट्स गुड.
चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों. लेकिन हमारा ये जो इनिशिएटिव है यहाँ पर यूट्यूब पर, उसके साथ साथ हमारी जो पूरी टीम है दैट इज़ ऑल्सो ऑन प्लस प्लेटफॉर्म, जैसे हम आपको बताते हैं. और यहाँ पर भी हमें काफ़ी मज़ा आ रहा है पढ़ाने में, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हमें ज्वाइन कर चुके हैं वहाँ पर. ऑलराइट, सो थैंक यू टू ऑल ऑफ दो स्टूडेंट्स ऑल्सो. और मैं ये जान के सरप्राइज हूँ कि दे आर फॉलोइंग अस ऑन बोथ द चैनल्स. दे आर फॉलोइंग अस ऑन प्लस एज वेल एज ऑन यूट्यूब. तो शायद यहाँ पर भी काफ़ी सारे बच्चे होंगे जो ऑलरेडी वहाँ पर हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं. राइट, ऑल राइट, दैट्स नाइस. तो यहाँ पर अगर बच्चों आपको ये सब कोर्सेज जो चल रहे हैं अगर उनको अटेंड करना है, तो यू जस्ट नीड टू डाउनलोड अनअकैडमीज लर्निंग ऐप, जहाँ पर आप प्लस एक सेक्शन देखोगे. प्लस सेक्शन में आपको क्या करना है, आईआईटी जेई वाला जो आपका टारगेट है उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना है. सब्सक्रिप्शन बच्चों जो आप ले सकते हो अलग अलग टाइम के लिए ले सकते हो, लेकिन स्टिल द रिकमेंडेड इज 12 मंथ्स, क्योंकि उसके अंदर आपको पर मंथ कॉस्ट काफ़ी कम लगती है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आप जेई लाइव कोड यूज़ करोगे, विच इज़ फॉर अवर यूट्यूब स्टूडेंट्स, अगर आप ये कोड यूज़ करते हो देन यू गेट फर्दर 10% डिस्काउंट एंड इट बिकम्स इवन मोर ईजी ऑन योर पॉकेट्स. ऑल राइट, सो लेट एस ट्राई टू मीट देयर ऑल्सो एंड ट्राई टू क्लियर सम मोर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स. ऑल राइट, सो लेट एस बिगिन विद हर टॉपिक विच इज साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस. ये हमने लास्ट क्लास में करने की कोशिश की थी लेकिन टाइम अप हो गया था. तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने क्या क्या कर लिया था, लास्ट क्लास में हमने ग्राफ के बारे में पूरा अंडरस्टैंडिंग ले लिया था. अगर किसी का मिस हो गया तो ध्यान से देखना, हमें उसको बहुत बेसिक से उठा के एंटायर अंडरस्टैंडिंग ले लिया है. ठीक है, ऑल राइट. तो अब मुझे देखना है कि साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मतलब एक्चुअली करना क्या होता है. ठीक है, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमें हेल्प कहां करता है. ठीक है, तो साइन ऑफ क्वाड्रेटिक हमें हेल्प करता है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज के लिए. ठीक है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज सॉल्व करने में हेल्प करने वाला है. तो इनइक्वालिटीज, यस, इससे डर लगता है किसी को क्या, अगर कोई ड्रॉपर होगा तो शायद उसको डर लगता होगा. ऑलराइट, लेकिन डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसमें इनइक्वालिटीज हम टैकल करेंगे. ठीक है, ऑलराइट. तो देखते हैं कुछ इसके अंदर, ग्राफ से हम अंडरस्टैंडिंग फिर से स्टार्ट करेंगे, उससे हम कुछ इनइक्वालिटीज जनरेट करेंगे खुद से. तो अगर हम खुद से कुछ भी जनरेट करने वाले होंगे तो वो हमेशा हमारे याद रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ भी याद नहीं रखना चाह रहे हैं, हम समझने की कोशिश करने वाले हैं. ठीक है, ऑल राइट. तो साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस मतलब अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ पर मेरे पास दो ग्राफ्स हैं. राइट, जो यहाँ पर मुझे रेड में ग्राफ दिख रहा है ये कैसा है, ये ग्राफ पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर है. ये ग्राफ पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर है. वाई एक्सिस कहाँ है वो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन मैंने कहीं भी रैंडम लोकेशन पे वाई एक्सिस अभी बना दिए. लेकिन ज़्यादा करके आपको क्या देखना है बच्चों, यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस के ऊपर फोकस करना है कि पूरा का पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इसका इक्वेशन लिखूँ कि वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का अगर ये इक्वेशन है, तो यहाँ से हम क्या क्या चीज़ें कंक्लूड कर सकते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में देखा हुआ है ऑलरेडी. लास्ट क्लास में हमने क्या बोला है कि यहाँ पर ए का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पर डी का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए. ऐसा हमने बोल के रखा है कि नहीं बोला है, यस. डी का वैल्यू नेगेटिव क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये जो ग्राफ है रेड वाला ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, और ग्राफिकली जहाँ पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है दोज पॉइंट्स रिप्रेजेंट रियल रूट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसका मतलब इस इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है. अगर इसके रियल रूट्स नहीं हैं तो डी का मैंने रिलेशन सही लिखा है कि नहीं लिखा है. यहां पर डी का वैल्यू मैंने कैसा लिखा है, लेस देन जीरो, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो. तो दिस इंडिकेट्स थ्रू इक्वेशन कि हमारे इमेजिनरी रूट्स हैं. ठीक है, दिस इज द ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग. तो यहां पर अगर कोई भी आपसे ये पूछेगा, ध्यान से सुनो आप, अगर कोई भी आपसे ये पूछेगा कि ये बताओ कि कोई क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव कब होगी, कोई भी क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव कब होगी, है ना. जैसे मैं अगर ऐसा कुछ बोलता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसका ग्राफ यहाँ पे बना के रखा है, ये ग्रेटर देन जीरो कब होगी. अगर ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो हम करना चाह रहे हैं, ऑलवेज मतलब लिखते कैसे बच्चों उसको, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू आर, है ना. ये एक्सप्रेशन काफी बार आपको देखने को मिलेगा आज, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू आर. अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप कंक्लूजन क्या लोगे कि ये दोनों कंडीशन उसने सेटिस्फाई करनी चाहिए. एक तो ए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, उसने अपवर्ड फेसिंग होना चाहिए और उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होना चाहिए. ऑलराइट, तो ये जो मैं बोल रहा हूं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन जीरो, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही तो इंडिकेट कर रहा है बच्चों, कर रहा है क्या. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉजिटिव का ही तो ये मतलब होगा कि वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए. आ रही बात समझ में, यस, ऑल राइट. बहुत ही अच्छे तरीके से अगर हमने ये समझ लिया है तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट ग्राफ देख के आपको आइडिया लग रहा होगा कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा होगा. अगर इस तरह का ग्राफ आप सोच रहे हो मतलब क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा होगा कि आपका जो एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी उसने हमेशा लेस देन जीरो होना चाहिए,
और हमेशा लेस देन जीरो को हम लिखते कैसे हैं, लेस देन जीरो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू आर, ऐसे लिखेंगे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू आर, ठीक है। ऑलराइट, तो अगर कोई क्वाड्रेटिक आपको लेस देन जीरो चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू आर, तो आपके दिमाग में ऐसा ग्राफ आना चाहिए, क्योंकि कम मतलब कैसा, एक्स एक्सिस के हमेशा नीचे होना चाहिए। तो अगर ये अपवर्ड फेसिंग होता तो पॉसिबल ही नहीं होता, अपवर्ड फेसिंग में तो कहीं ना कहीं तो वो ऊपर निकल जाएगा ना एक्स एक्सिस के, अपवर्ड फेसिंग वाला पैराबोला यहां पर पॉसिबल नहीं था, इसलिए यहां पर डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला हम इमेजिन कर रहे हैं। ऑलराइट, अब क्योंकि डाउनवर्ड फेसिंग इमेजिन कर रहे हैं, मतलब पहली बात क्या सोचेंगे हम कि ए लेस देन जीरो तो होना चाहिए, दूसरी बात ये बोलेंगे कि अगर इसने हमेशा लेस देन जीरो होना चाहिए, ये कभी भी ऊपर नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब इस बार भी ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर पाएगा। अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं कर पाएगा, मतलब इसके रियल रूट्स नहीं होने चाहिए, तो फिर से हम क्या बोलेंगे, डी लेस देन जीरो। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि एक क्वाड्रेटिक ऑलवेज नेगेटिव होनी चाहिए, उसकी कंडीशन लिखो, तो आप ऐसा कुछ इमेजिन करके लिखोगे ए लेस देन जीरो इन डी लेस देन जीरो, याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ग्राफ ठीक से बना लिया तो ये तो आप बड़ी आसानी से खुद ही लिख सकते हो कि नहीं, यस, आई बच्चों बात समझ में। अगर आपने ग्राफ समझ लिया कि आपको क्वाड्रेटिक ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो चाहिए या फिर क्वाड्रेटिक ऑलवेज लेस देन जीरो चाहिए, तो ये तो आप ग्राफ देख के लिख लोगे। अब आती नेक्स्ट कंडीशन, अगर आपके पास रियल रूट्स होते तो क्या होता, ठीक है, आपके पास अगर रियल रूट्स होते तो हमारे पास दो कंडीशन है, या तो रियल रूट्स अपवर्ड फेसिंग पैराबोला के लिए हो सकते हैं या फिर डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला के लिए हो सकते हैं। यस, रियल रूट्स कैसे पता चल रहे हैं मुझे, क्योंकि ये दोनों ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं, ये दोनों ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं, इसका मतलब इनके रियल रूट्स हैं। तो अब मैं क्या बोलूंगा, यहां पर क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई एक क्वाड्रेटिक जो है वो ग्रेटर देन जीरो कब होगी। तो यहां पर हम दो केसेस पूछेंगे उससे, क्या ये ए ग्रेटर देन जीरो वाला केस है या फिर वो ए लेस देन जीरो वाला केस है। ध्यान से सुनो, ए ग्रेटर देन जीरो वाला केस है या फिर ए लेस देन जीरो वाला केस है। तो अगर ए ग्रेटर देन जीरो की अगर बात करते हैं, तो आपके पास जहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट है उनको तो हम अल्फा बीटा से डिनोट कर सकते हैं, ये क्या है, हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो मैं अगर देखता हूं तो पॉजिटिव वैल्यू कहां आती है बच्चों, एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यू पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कब होगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉजिटिव कब होगा, तो क्वाड्रेटिक पॉजिटिव तब होगा जब हम आउटसाइड द रूट्स जाएंगे। क्या बोलेंगे, आउटसाइड द रूट्स, ये याद रखने का तरीका है, ठीक है। कब, जब ए ग्रेटर देन जीरो है तब, किसके लिए, क्वाड्रेटिक को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको रूट्स के बाहर जाना पड़ेगा, मतलब बीटा से बड़ा या फिर अल्फा से भी कम, ये आपका आंसर होगा अगर कोई पूछता है इस तरह के सिचुएशन में क्वाड्रेटिक पॉजिटिव के लिए, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉजिटिव कब होगा, जब आउटसाइड द रूट्स जाएंगे, और ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक नेगेटिव कब होगा, तो क्वाड्रेटिक आपका नेगेटिव होगा अगर आप बिटवीन द रूट्स हो, तो बिटवीन द रूट्स के लिए आपकी क्वाड्रेटिक कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। आई बात समझ में, यस, वेरी क्लियर। ग्राफ अगर आपको समझ में आ गए थे लास्ट लेक्चर में, तो आज ये सारा डिस्कशन भी बड़ी आसानी से आप समझ रहे होंगे, ऐसी मेरी गारंटी है। ऑलराइट, अगर मैं नेक्स्ट का बात करता हूं कि अगर मेरे पास इंटरसेक्टिंग ग्राफ तो है लेकिन ए लेस देन जीरो है, अगर ए लेस देन जीरो है तो उस पर्टिकुलर केस में अब पॉजिटिव कब होगा, बिटवीन द रूट्स होगा। इस बार पॉजिटिव कब होगा, बिटवीन द रूट्स होगा। ग्राफ पॉजिटिव कब है, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर कब है ग्राफ, तो दोनों रूट्स के बीच में वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। तो यहां पर चीजें आगे पीछे हो जाएंगी। क्वाड्रेटिक पॉजिटिव के लिए हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक अगर पॉजिटिव चाहिए तो हम बोलेंगे अच्छा ठीक है, बिटवीन द रूट्स चले जाओ, बिटवीन द रूट्स आपको क्वाड्रेटिक पॉजिटिव मिलेगी। और अगर आपको क्वाड्रेटिक नेगेटिव चाहिए, और अगर आपको क्वाड्रेटिक नेगेटिव चाहिए तो फिर आउटसाइड द रूट्स चले जाओ, ठीक है। तो इस तरह से हम पूरा डिस्कशन कर चुके हैं किसका, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक का। अगर आपको ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव चाहिए तो वो तो ग्राफ बहुत ही क्लियर थे, ऑलवेज पॉजिटिव अगर चाहिए तो अपवर्ड फेसिंग होना चाहिए और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होना चाहिए। अगर ऑलवेज नेगेटिव चाहिए तो ए लेस देन जीरो होना चाहिए और डिस्क्रिमिनेंट भी लेस देन जीरो होना चाहिए। ऑलराइट, लेकिन अगर आपको कुछ एक पोर्शन में पॉजिटिव या नेगेटिव चाहिए तो उसका डिस्कशन अभी हमने किया था, बिटवीन द रूट्स एंड आउटसाइड द रूट्स वाला, ठीक है। अब समझते हैं कि इसके ऊपर क्या हम कुछ इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो बिल्कुल कर सकते हैं, यहां पे ध्यान से देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये।
All right. तो मेरे ख्याल से मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम भी दे सकता हूँ, है ना? Let us try to do this particular question in a minute. All right. So the timer is on. बच्चों जल्दी से try करो इसको. देखो क्या लिखा है. If the quadratic ax square plus bx plus c equal to 0 has imaginary roots and 4a minus 2b plus c is less than 0, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जल्दी ट्राई करो. यस, ऑल राइट. आउटसाइड एंड बिटवीन समझ में नहीं आया बेटा, तो ग्राफ देखो ध्यान से, बिल्कुल आएगा समझ में हर्षिता. ऑल राइट, संदीप इज सेइंग नाउ आई गॉट. बहुत बढ़िया बेटा. इंटीग्रेशन कब आएगा? फर्द इन इंटीग्रेशन डिफरेंशियल कैलकुलस के बाद आएगा. और डिफरेंशियल कैलकुलस कब चल रहा है बेटा? वीक के एंड में चल रहा है, मतलब ट्वेल्थ के सिलेबस में आएगा. ठीक है, ऑल राइट, दैट इज इट, दैट इज इट, है ना? तो काफी जल्दी करने वाला क्वेश्चन था ये, और बच्चों के आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं. यस, किंग अमन इज आंसरिंग ए, अक्षत, उत्कर्ष, ऑल राइट, शौविक, हर्षवर्धन, ऑल राइट, अ लॉट ऑफ आंसर्स आर कमिंग इन, ऑल राइट, अर्पित, ध्रुव. चलो देखते हैं यहां पर हम कैसे इसका आंसर निकाल सकते हैं. आदित्य इज आस्किंग सर विल यू कवर ईच एंड एवरीथिंग. यस, पीछे जाके देख लो जितना भी हमारे चैप्टर्स हुए हैं उसके अंदर कोई भी एक सब टॉपिक छूटा है क्या? कुछ भी हम यहाँ पर छोड़ने नहीं वाले हैं बच्चों, सारा ही कुछ हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं. ठीक है, ऑल राइट, ऑल राइट, सो आंसर्स आर कमिंग इन, लेट अस सी. शिवम वॉन्ट्स टू नो द बेस्ट बुक. तो बेस्ट बुक तो बच्चों हमने अलग से एक वीडियो बना के रखा है उसके ऊपर, तो आपको एक वीडियो देखेगा तो उसके अंदर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सभी कुछ पता चल जाएगा शिवम, है ना? ऑल राइट, चलो देखते हैं बच्चों यहाँ पर क्या किया जा सकता था. यहाँ पर आप अगर सोचोगे कि किसी क्वाड्रेटिक के इमेजिनरी रूट्स हैं, किसी क्वाड्रेटिक के अगर इमेजिनरी रूट्स हैं तो उसका ग्राफ कैसा होगा? उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता. ठीक है, अगर इंटरसेक्ट नहीं कर सकता एक्स एक्सिस को, तो या तो वो ऑलवेज अप होगा या फिर ऑलवेज डाउन होगा. ठीक है, इस तरह से दो सिनेरियोज हम इमेजिन कर सकते हैं, है ना? दोनों में ही क्या है, डी लेस देन जीरो. क्यों है डी लेस देन जीरो? क्योंकि वो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा. लेकिन इस केस में ए ग्रेटर देन जीरो है और इस केस में ए लेस देन जीरो है, क्योंकि अपवर्ड फेसिंग डाउनवर्ड फेसिंग का हमें लॉजिक अब समझ में आ गया है. अब उसने जो कंडीशन दी हुई है अगर आपने उसको डीकोड कर लिया तो आपको आगे का क्वेश्चन भी करते आ जाएगा. तो 4a प्लस 4a माइनस 2b प्लस c, क्या लिखा है? 4a माइनस 2b प्लस c, ये जो वैल्यू है ये लेस देन जीरो है. तो यहां पर ये जो मैंने ग्राफ बनाया बच्चों, डिपिक्ट किया है, ये किसका ग्राफ बनाया? मैंने इसी क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बनाया. ठीक है, लिखा हुआ क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होते हैं? रूट्स होते हैं. ग्राफ किसका होता है? क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ होता है. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन जो यहां पर आपके पास है वो क्या है? वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो आप अगर यहां पर ध्यान से देखोगे तो आपको अगर ये एक्सप्रेशन क्रिएट करना है तो आपने ऐसा सोचना चाहिए कि यहां पर मैंने x की वैल्यू कितनी यूज कर ली. यहां पर मैंने x की वैल्यू माइनस टू यूज की होगी शायद. करके देखो, x की वैल्यू आपने अगर यहां पर माइनस टू यूज किए बच्चों, तो क्या आपके पास 4a माइनस 2b प्लस c बनने वाला है? क्या बनने वाला है? बिल्कुल. ठीक है, ऑलराइट, अगर मैंने x की वैल्यू माइनस टू यूज की है तो मेरे पास आएगा क्या? इसका आउटपुट आएगा, मतलब y का आंसर आएगा. अब वो माइनस टू इनपुट पर y का वैल्यू कैसा बता रहा है? लेस देन जीरो बता रहा है. कैसा बता रहा है? लेस देन जीरो बता रहा है. इसका मतलब दोनों में से कौन सा ग्राफ रखूंगा मैं? क्योंकि मेरा वैल्यू या तो ऑलवेज नेगेटिव हो सकता था या फिर ऑलवेज पॉजिटिव हो सकता था. एक इनपुट भी अगर मुझे पता चल गया कि उस इनपुट पर आउटपुट नेगेटिव है तो फिर मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा और इस वाले ग्राफ को रिजेक्ट कर दूंगा. तो मेरे दिमाग में अब एक ग्राफ बन गया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ जो है ऐसा बनने वाला है कुछ. ठीक है, अब मैं ऑप्शन देखना स्टार्ट करता हूं. यहां पर ऑप्शन में अगर मैं सबसे पहला टर्म देखूंगा 4a plus 2b plus c, वो क्या था? 4a minus 2b plus c, ये है 4a plus 2b plus c, तो थोड़ा सा लिंक बैठ रहा है आपको. यहां पर मैंने ये वैल्यू कैसे अटेन की होगी? इस वैल्यू के लिए मैंने x equal to 2 डाला होगा कि नहीं? इस वैल्यू के लिए मैंने x equal to 2 डाला होगा. और अगर मैं 2 डालूंगा तो क्या ग्रेटर देन 0 आ सकता है क्या? देखो यहां पर 2 कहीं भी हो सकता है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता. लेट अस से 2 यहां पर है, लेकिन आपका पूरा का पूरा ग्राफ ही अगर x एक्सिस के नीचे है तो हर इनपुट पे आउटपुट कैसे आने वाला है?
नेगेटिव आने वाला है, जबकि ये क्या बोल रहा है, टू डालने पर पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। गलत बोल रहा है बिल्कुल। आई बात समझ में, कैसे ग्राफिकली हम अप्रोच कर रहे हैं क्वेश्चन को और कैसे सॉल्यूशन ला रहे हैं, समझ में आ रही बात है ना। बस ऐसे ही हम एक एक करके चेक करते जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन कौन से एक्स पे जनरेट होगा। ऑलराइट, तो यहां पर एक बहुत ही सिंपल सी चीज दिख रही है मुझे, है ना, ए प्लस बी प्लस सी। तो मेरे ख्याल से ये तो बच्चे समझ पा रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बनाने के लिए आपको यहां पर क्या डालना चाहिए, एक्स इक्वल टू वन डालना चाहिए। अगर एक्स इक्वल टू वन डालेंगे तो भी तो वैल्यू बच्चों नेगेटिव आने वाली है ना, कहीं पर भी होगा, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा। लेटर से यहां पर है तो यहां पर भी वैल्यू कैसे आई, उसकी नेगेटिव आई, जीरो तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम ऑलरेडी ग्राफ कैसा होना चाहिए वो बना चुके हैं, ठीक है। तो अभी जीरो तो हो नहीं सकता, तो मैं इसको भी कर दूंगा कैंसिल, इसको भी कर चुका हूं मैं कैंसिल, ठीक है। अब ये डी वाला ऑप्शन थोड़ा और आसान दिख रहा है, इसको बाद में जाते हैं इसके ऊपर। डी वाले को पहले चेक कर लो, ए माइनस बी प्लस सी कब बनेगा, जैसे ऊपर ए प्लस बी प्लस सी कब बनेगा पूछा था, ये बनेगा आपका एक्स इक्वल टू माइनस वन पे। अब एक्स इक्वल टू माइनस वन पे भी तो आपका वैल्यू निगेटिव ही आने वाला है ना, जबकि वो क्या बोल रहा है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव तो आने से रहा, तो इसको भी अगर आपने कैंसिल कर दिया तो बाय एलिमिनेशन मेथड आपका आंसर सी ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। आई बात समझ में, यस। क्या हो गया ऋषु, ऐसा मत करो, हंसते रहो, यस। ऑल राइट, देखो यहां पे ध्यान से क्या कर रहे हैं हम, यहां पे हम ये देख रहे हैं कि जो एक्सप्रेशन क्रिएट हुआ है, जो एक्सप्रेशन उसने एग्जांपल में दिया है, यस, इस क्वेश्चन में, वो कब बना होगा, तो जब मैंने इस ग्राफ में माइनस टू डाल के आउटपुट क्या आया ऐसा चेक किया होगा, तब बना होगा। ग्राफ किसका बनाया मैंने, वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ बनाया, लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हम इसको, ठीक है। इसके अंदर माइनस टू अगर डालोगे तो फोर ए माइनस टू बी प्लस सी बनेगा। अब फोर ए माइनस टू बी प्लस सी का वैल्यू क्योंकि लेस देन जीरो था बच्चों, इसीलिए मैंने क्या बोला कि ग्राफ ये वाला बनना चाहिए, ये वाला ग्राफ नहीं बन सकता। ये दोनों ही ग्राफ मैंने क्यों ऑप्शन में रखे थे, क्योंकि उसने इमेजिनरी रूट्स का हिंट दिया हुआ था, इमेजिनरी रूट्स थे, इसका मतलब वो कट तो कर नहीं सकता था एक्स एक्सिस को। ऑलराइट, तो दो ऑप्शंस थे, उसमें से भी एक एलिमिनेट हो गया, तो बचा था यही हमारे पास। ऑप्शन चेक करते करते हमें पता चल रहा है कि अब मैं एलिमिनेशन मेथड से सी को करेक्ट कर चुका हूं, लेकिन अगर मैं सी ऑप्शन जनरेट भी करना चाहूं तो उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको अगर इस एक्सप्रेशन में कोई एक वैल्यू मिल जाए जो डालने से ये एक्सप्रेशन बन रहा है तो आपका काम हो जाएगा ना। तो आप अगर यहां पे और थोड़े ध्यान से देखोगे, इस बार थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है, ए माइनस टू बी प्लस फोर सी, क्या देखना है आपको, यस, ए माइनस फोर बी, ए माइनस टू बी प्लस फोर सी जो वैल्यू है वो कब आएगी, वो बड़े आसानी से आप देख सकते हो। वैसे तो ये वैल्यू कब आएगी, जब आप एक्स का वैल्यू माइनस हाफ डालोगे इसके अंदर। एक्स का वैल्यू माइनस हाफ डाल के देखते हैं, चलो एक्स का वैल्यू अगर मैं माइनस हाफ डालूंगा तो कितना हो जाएगा, ए इंटू माइनस हाफ का स्क्वायर मतलब वन बाय फोर, उसके बाद प्लस बी इंटू माइनस हाफ एंड देन प्लस सी। इसको अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम फोर लेके, एलसीएम फोर लेके आपके पास वैल्यू आएगी ए माइनस टू बी प्लस फोर सी अपॉन फोर बी है, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन फोर रहने दो, लेकिन न्यूमरेटर तो आ गया। अब ये जो एक्सप्रेशन आया है माइनस हाफ डाल के, वो भी तो नेगेटिव आना चाहिए ना बच्चों। आई बात समझ में, माइनस हाफ यहाँ कहीं होगा, आपका पूरा का पूरा ग्राफ ही नेगेटिव है, तो माइनस हाफ डालने पे भी तो नेगेटिव आएगा ना। इसका मतलब आप क्या कंक्लूड करोगे कि ये एक्सप्रेशन लेस देन जीरो है। अब फोर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आएगा, ए माइनस टू बी प्लस फोर सी इज लेस देन जीरो। ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव पेपर में बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट शिवम, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इस वीडियो को रीप्ले करके फिर से देखो, आपको पक्के से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्कशन हुआ है बहुत ही क्लीन हमने डिस्कस किया है, सारे ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कैसे करना है वो भी आपको सिखा दिया, ठीक है। ऑल राइट, चलो आई होप बाकी सारे बच्चे समझ पा रहे हैं इस बात को अच्छे से, यस। ऑल राइट, चलो तो याला मुझे एक्चुअली इसीलिए यूट्यूब पे पढ़ाना बहुत ही पसंद है, क्योंकि एक बार मैंने अगर कुछ बोला है तो बच्चे उसको 100 बार भी सुन सकते हैं, ठीक है। क्या करना है, बस पीछे ही तो प्रेस करना है, एक 5 मिनट पीछे प्रेस करोगे टीचर एक बार आपके लिए फिर से बोल देगा, ऐसा आप मान सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं और अच्छे तरीके, और जिससे हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आते हैं अब इस तरह के क्वेश्चन पे। ये क्या हो गया बच्चों, अब इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, फॉर ऑल एक्स, ठीक है, यहां से कहानी स्टार्ट हो रही है। फॉर ऑल एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस टेन माइनस थ्री ए इज ग्रेटर देन जीरो। कोई एक क्वाड्रेटिक है विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, तो दिमाग में कुछ आया क्या,
सम क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, तो आप उसका ग्राफ कैसे बनाओगे? ऐसा बनाओगे, और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि आपको हमेशा ये क्वाड्रेटिक कैसा चाहिए? ग्रेटर देन जीरो. देन द इंटरवल इन विच ए लाइज इज. अब जैसे ही आप ऐसा कुछ दिमाग में लाते हो ग्राफ, तो यहां से आप क्या क्या कंक्लूड करोगे कि इसका एक तो अपवर्ड फेसिंग नेचर है, तो ए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए. तो ए तो इसका वन दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होता है, ठीक है. तो यहां पर कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको कैपिटल ए लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में एक ए अलग से है. तो कैपिटल ए जिसकी हम कंडीशन के थ्रू बात करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो होता है वो कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए. लेकिन दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? कैपिटल डी, मतलब डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए इसका? लेस देन जीरो होना चाहिए. डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन जीरो होगा और ए ग्रेटर देन जीरो होगा तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा, और एग्जैक्टली ये कंडीशन हम बोल सकते हैं कि अब ट्रू हो पाएगी. कोई एक क्वाड्रेटिक, क्योंकि आपको कैसा चाहिए बच्चों? ग्रेटर देन जीरो चाहिए. क्वाड्रेटिक कैसा चाहिए? ग्रेटर देन जीरो चाहिए आपको, ठीक है. तो यही वाला सिनेरियो मेरे तो दिमाग में आ रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि अच्छा ठीक है, ये कंडीशन तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो है ही ऑलरेडी. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन है तो दैट इज ग्रेटर देन जीरो, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है. तो बस डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन बचती है, तो लिख के देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट इसका कितना आएगा, ठीक है. तो डिस्क्रिमिनेंट होता कितना है? डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है. बी मतलब क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर मतलब टू ए का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए मतलब वन इंटू सी मतलब टेन माइनस थ्री ए, ठीक है. ये हो जाएगा हमारा डिस्क्रिमिनेंट, और ये कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए लेस देन जीरो अगर क्वेश्चन में दी हुई कंडीशन मैच करनी है तो. ऑलराइट, तो देखते हैं इसको ओपन करके क्या हो रहा है. ये अगर कुछ अच्छा बनेगा तो मजा आ जाएगा. तो यहां पर हो जाएगा फोर ए स्क्वायर माइनस फोर इंटू टेन माइनस थ्री ए इज लेस देन जीरो. फोर कर दो यहां से कैंसिल, ठीक. ऑलराइट, और यहां पर अगर आप इसको फर्दर ओपन करोगे तो ए स्क्वायर प्लस थ्री ए, ठीक है, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस थ्री ए माइनस टेन इज लेस देन जीरो. ये हो गया क्या है अब? ये तो हो गया हमारे पास पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी, उससे भी सिंपल क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी. कहाँ किया था हमने? लेक्चर नंबर वन, पूरी जो हमारी आज जर्नी जहाँ तक पहुँच चुकी है, ठीक है, उसका पहला लेक्चर हमने किया था बच्चों इलेवंथ क्लास में, वेवी कर मेथड, ठीक है. अभी भी अगर किसी ने देखा नहीं है तो प्लीज़ जाके देखो वेवी कर मेथड में हम इनइक्वालिटीज़ का आंसर कैसे निकालते हैं. अभी के लिए इस एग्जांपल के थ्रू अगर सीख सकते हो तो सीखो, जिनको आता है वो तो बड़ी आसानी से इसका आंसर शायद अभी कर पा रहे होंगे. यहाँ पर मैं करूँगा इसको फैक्टराइज ए प्लस फाइव इंटू ए माइनस टू के साथ, ए प्लस फाइव इंटू ए माइनस टू. ऐसा मैं इसको अगर फैक्टराइज करता हूँ तो मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आएंगे? मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे यहाँ पे माइनस फाइव एंड टू, और साइन एक्सप्रेशन क्या कैसे लगाते हैं हम? राइट साइड में प्लस फिर माइनस फिर प्लस. क्यों? क्योंकि ये वेवी कर के लिए स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है. तो माइनस कहाँ से कहाँ तक आया? माइनस फाइव से टू, वही मेरा सिलेक्ट करने के बाद आंसर आएगा, क्योंकि मैं लेस देन जीरो ही तो ढूंढ रहा हूँ, मैं लेस देन जीरो ही तो ढूंढ रहा हूँ. बहुत बढ़िया, यहाँ पर बच्चे बी आंसर बता रहे हैं, यस. तो आपको मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है. कनु सिंघानी, ऑलराइट, आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई आंसर मैच नहीं कर रहा, बेटा ध्यान से देखो यहाँ पर बी आंसर मैच हो रहा है सबका, ठीक है. ऑलराइट, कोई बात नहीं, आपको भी आ जाएगा, राइट. ऑलराइट, तो मेरे ख्याल से आपको क्वाड्रेटिक का फंडा समझ में आया. यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू बातें करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है. ऑलराइट, और एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है. फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द इनइक्वालिटी, दिस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी विच इज अ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, आई कैन सी दैट. लेकिन उसने बताया नहीं हमें, कोई दिक्कत नहीं है. फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द इनइक्वालिटी दिस इज सेटिस्फाइंग फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स. अब कोई सा भी एक्स डालो इसके अंदर, कोई सा भी रियल वैल्यू डालो एक्स का, ये जो बनता है एक्सप्रेशन, ये ऑलवेज लेस देन जीरो निकल के आता है. एक्सप्रेशन ऑलवेज लेस देन जीरो निकल के आता है, ठीक है. यस, डिस्क्रिमिनेंट श्रुति, डिस्क्रिमिनेंट नहीं पता बेटा आपको तो थोड़ी सी दिक्कत होगी पक्के से, लेकिन मेरे ख्याल से दसवीं में हो चुका है ना बेटा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, है ना, उसी का डिस्कशन यहाँ पर चल रहा है. हाँ, यहाँ पर लेकिन मैंने काफ़ी बच्चों को ऐसा देखा है जो अभी एट्थ में है और नाइन्थ में है, और वो बच्चे भी लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं जेई के, विच इज़ अ वेरी बिग बेनिफिट. हमने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं था. हमने तो सोचा था कि अभी जो बच्चे 11, 12 या फिर रिपीटर्स हैं, हम उनकी हेल्प करने के लिए इस चैनल पे पढ़ाना स्टार्ट करते हैं. लेकिन एक अलग ही कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स निकल के आई हमारे सामने, हु आर नॉट येट इन 10th एंड दे आर ऑल्सो फॉलोइंग द लेक्चर्स. एंड आई थिंक दैट इज़ द रियल रिवॉल्यूशन विच विल चेंज द कोचिंग इंडस्ट्री एंड द एजुकेशन इंडस्ट्री ओवरऑल इन इंडिया, आई थिंक सो, है ना. तो डेफिनेटली यहाँ पर हो सकते हैं ऐसे बच्चे जिनको डिस्क्रिमिनेंट नहीं पता है,
है ना, लेकिन थोड़ा सा और फॉलोअप करो बटो फिर, है ना बच्चों, तो डेफिनेटली आप कवर अप कर पाओगे. तो फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द इनइक्वालिटी दिस इज लेस देन जीरो. तो मैंने दिमाग में पिक्चर बना ली, यहाँ पर मेरे पास जो ग्राफ बनना चाहिए वो कैसा बनना चाहिए, ये इनइक्वालिटी होनी चाहिए लेस देन जीरो ऑलवेज, ठीक है. तो इसका मतलब मेरा ग्राफ ऐसा बनना चाहिए, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसमें ए वाला क्वांटिटी दिख रहा है आपको वो ऑलवेज नीचे होना चाहिए. तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे क्या कंडीशन लगाओगे, सबसे पहली कंडीशन कि आपका ए जो है ना, ए मतलब कौन सा, कैपिटल ए से डिनोट कर रहा हूँ इस चीज़ को, ए जो है वो कैसा होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए, तभी तो डाउनवर्ड फेसिंग बनेगा. ऑलराइट, तो यहाँ पर ए मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, वो कितना है यहाँ पे, ए माइनस फोर, दैट शुड बी लेस देन जीरो, मतलब ए शुड बी लेस देन फोर. ये तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये तो डायरेक्टली हो गया, ठीक है. ऑलराइट, चलो तो यहाँ पर ए लेस देन फोर की तो एक कंडीशन आ चुकी है, इसको ध्यान में रखेंगे, अगर कहीं यूज होती है तो यूज कर लेंगे. दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों यहाँ पे, क्योंकि इसने कट नहीं करना चाहिए, ये हमेशा छोटा होना चाहिए ना जीरो से, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक हमेशा छोटा होना चाहिए जीरो से, मतलब इसने हर बार एक्स एक्सिस के नीचे होना चाहिए. अगर इसने हर बार एक्स एक्सिस के नीचे होना चाहिए तो इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होना चाहिए. तो फिर से डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करके देखते कितना आ रहा है. तो इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो, ऐसी कंडीशन हम टेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं. तो डिस्क्रिमिनेंट देखो बच्चों, जिसको समझ में नहीं आया था, डिस्क्रिमिनेंट के लिए क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है. बी क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट है, कितना लिखा है, माइनस टू ए उसका स्क्वायर माइनस फोर ए, ए मतलब ए माइनस फोर, एंड सी, सी मतलब टू ए माइनस सिक्स, शुड बी लेस देन जीरो, है ना, ऐसी कंडीशन लिखी है हमने, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू शुड बी लेस देन जीरो. यस, फिर से इसको ओपन करके देखते हैं क्या हो क्या रहा है. यहां पर अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो देखो क्या होने वाला है, यहां पर बनेगा फोर ए स्क्वायर माइनस फोर इंटू, है ना, फोर को बाहर ही रखा हूं अभी मैं, अंदर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, तो टू ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए माइनस एट ए एंड प्लस ट्वेंटी फोर इज लेस देन जीरो, ठीक है. होपफुली कैलकुलेशन सही किया मैंने, यहाँ पर हो जाएगा टू ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए एंड देन माइनस एट ए एंड प्लस ट्वेंटी फोर इज लेस देन जीरो, ठीक है. नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से फोर कैंसिल कर देता हूँ, तो अब देखो क्या क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर इज माइनस ए स्क्वायर, उसके बाद आएगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस फोर्टीन ए, और लास्ट हो जाएगा माइनस ट्वेंटी फोर इज लेस देन जीरो. अब ये फिर से उसी स्टेज पर आ चुका है जहाँ पर आप वेवी कर्व मेथड का यूज कर सकते हो, ठीक है. यहां पर हम फिर से उसी स्टेज पे पहुंच चुके हैं बच्चों, ठीक है. तो अब यहां पर क्या करना चाहिए, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए क्योंकि हमें ए स्क्वायर के आगे प्लस ज्यादा अच्छा लगता है ना. तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस फोर्टीन ए प्लस ट्वेंटी फोर, ग्रेटर देन जीरो करना पड़ेगा लेकिन, क्योंकि इनइक्वालिटी में जब भी मैं माइनस मल्टीप्लाई करता हूं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करना पड़ता है. तो अब ये किन वैल्यूज की मदद से फैक्टराइज हो रहा है बच्चों, किन वैल्यूज की मदद से फैक्टराइज कर पा रहे हो आप इसको, यहां पर ट्वेल्व और टू का काम चलेगा मेरे ख्याल से, 12 और 2 से आपको 14 भी बनते हुए दिख रहा है और 24 भी बनते हुए दिख रहा है प्रोडक्ट से, ठीक है. तो a माइनस टू इंटू ए माइनस ट्वेल्व इज ग्रेटर देन जीरो, ऐसा वैल्यू आ जाएगा आपका. फिर से वेवी कर्व मेथड लगा लो, वेवी कर्व मेथड जो हमने पहले लेक्चर में सीखी है वहां से आपको क्या पता चलेगा, एक नंबर लाइन के ऊपर आपने अगर प्लॉट किया 2 एंड 12 तो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस लगा के आपको अब सिलेक्ट कौन सी वैल्यूज करनी है ये बताओ. सिलेक्ट करने के लिए हम क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन जीरो अगर चाहिए तो ग्रेटर देन जीरो क्वांटिटी होती क्या है, ग्रेटर देन जीरो क्वांटिटी होती है पॉजिटिव, तो हम पॉजिटिव वाला रेंज सिलेक्ट करेंगे. तो या तो 12 से बड़ा होना चाहिए या फिर 2 से छोटा होना चाहिए, ऐसा बोलेंगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में. ऑलराइट, तो अब क्या करेंगे, अब इसका फाइनल आंसर आना कितना चाहिए, इसका फाइनल आंसर अब आना कितना चाहिए ये ध्यान से देख के बताओ, क्योंकि ये जो अभी आपका ब्लैक से आंसर आया है, ब्लैक में जो मैंने आंसर लिखा हुआ है, इसका आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1 से. क्यों, क्योंकि अगर आपको ये कंडीशन मैच करनी है तो ए लेस देन जीरो भी ट्रू होना चाहिए था और डी लेस देन जीरो भी ट्रू होना चाहिए था, दोनों साथ में ट्रू होने चाहिए. ये बोल रहा है नहीं लेस देन जीरो करना जरूरी है, ये बोल रहा है या तो 12 से बड़ा कर लो या फिर 2 से छोटा कर लो, दोनों की बात मानी जाएगी तो क्या बोलेंगे, 2 से छोटी वाली वैल्यूज इसका मतलब आपको अलाउड है 2 से, क्योंकि 12 से बड़ा तो ये मना कर ही रहा है, ये मना कर रहा है 12 से बड़े पे, ठीक है. ये 4 से कम पे मान रहा था लेकिन ये भी नहीं मान रहा है क्योंकि 2 टू 4 उसको अलाउड नहीं है. तो आपका आंसर कितना आएगा, माइनस इन्फिनिटी से 2, कितना आएगा, माइनस इन्फिनिटी से 2 इसका आंसर आएगा, ठीक है. फाइनल आंसर विल बी दैट, क्योंकि हम इंटरसेक्शन लेंगे, लेट अस कॉल दिस इक्वेशन 2, तो हम इंटरसेक्शन लेंगे इक्वेशन 1
and equation 2 ka, which will give us minus infinity to 2, and that becomes our answer. I hope aapko ye baatein samajh mein aa rahi hai. Yahan par hum kya solve kar rahe hain? Inequalities solve kar rahe hain, theek hai? All right. All right. Dhruv is coming up with some flood techniques aur kuch kuch bata raha hai. Beta, ye sab baatein abhi kar le. Ye sab baatein abhi kar loge to maths kab sikhoge? Yes. All right. सर ड्रॉपर्स बैच कब आएगा बेटा ड्रॉपर्स बैच का वेट करते रहोगे तो बड़ी लेट हो जाएगा आप यहाँ पर जो कर रहे हो बेटा मैथ इजी वो बहुत सही काम कर रहे हो कि आप 11th के लेक्चर्स भी अटेंड कर रहे हो 12th के भी लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो ऑल राइट सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग क्योंकि अगर आपको ड्रॉप लेने की जरूरत पड़ी तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कंसेप्ट कहीं ना कहीं तो वीक पड़े होंगे तो अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने पर फिर से ध्यान देने की जरूरत है तो वो कब होगा जब आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करोगे तो आपको डेफिनेटली ऐसा हेल्प मिलेगा और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि हम वैसे भी दोनों ही पोर्शंस और लगभग कवर कर ही लेंगे है ना ऐसा मुझे लगता है क्योंकि मैथ्स का स्पेशली मुझे लगता है कि सबसे कम सिलेबस है तीनों में से सबसे कम सिलेबस मैथमेटिक्स का है और वो बड़ी आसानी से खत्म हो जाएगा ठीक है तो आप अलग से ड्रॉपर्स बैच का वेट ना करोगे तो अच्छा रहेगा ठीक है ऑल राइट अनअकैडमी हेल्पलाइन नंबर बता दें अरे यार अनअकैडमी हेल्पलाइन नंबर तो मिल जाता होगा गूगल पर टाइप करके मुझे तो याद नहीं क्योंकि मैंने आज तक हेल्प मांगी नहीं किसी से लेकिन आई थिंक नेट पे मिल जाना चाहिए क्लास कब होती है गोल्डी इज़ आस्किंग क्लास कब होती है बेटा क्लास कब होती है ये तो पता कर ही लो है ना क्योंकि यहाँ पर रेगुलर क्लासेस आपको मिल रही है फ्रॉम 7 to 10 सात बजे फिजिक्स 8 बजे केमिस्ट्री और 9 बजे मैथमेटिक्स जो क्लास अभी आधी कंप्लीट हो चुकी है बेटा ठीक है ऑल राइट और ऐसे ही हम बिल्कुल सारा पोर्शन कंप्लीट करने वाले हैं तो रेगुलरली अगर अटेंड करोगे तो उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा यस ऑल राइट मैं कहाँ रहता हूँ ऑल राइट चलो मेरे ख्याल से मैं बता सकता हूँ वैसे तो मैं बैंगलोर में रहता हूँ है ना कोई दिक्कत नहीं उसमें लेकिन चलो पहले पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा विच इज़ रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑल राइट सिलेबस कब तक खत्म होगा बेटा सिलेबस तो हम खत्म कर देंगे कृष्णा ठाकुर बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सिलेबस की टेंशन आप मत लो है ना ये मैं बच्चों को 10 साल से बोल रहा हूँ लेकिन बच्चे संभव दिमाग में लेके बैठते हैं और उनके पेरेंट्स भी बड़े टेंशन लेके बैठते हैं ठीक है तो यहाँ पर तो संभव वो हो नहीं पाएगा लेकिन इसके पहले जब मैं एक्चुअल ऐसे क्लासेस में पढ़ाता था तो पेरेंट टीचर मीटिंग का कंसेप्ट भी होता था तो पेरेंट्स जो थे वो इसमें बड़े इंटरेस्टेड रहते थे और बच्चे भी इंटरेस्टेड रहते थे नो डाउट कि सिलेबस कब कंप्लीट होगा लेकिन उसके अंदर मेन पॉइंट जो मिस आउट कर जाते हैं कि जितना सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है उतना आता है क्या सॉल्व करते है ना सो बच्चों ये बात ध्यान रखो कि जितना कंप्लीट हो रहा है कंप्लीट हम करवा देंगे वो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ठीक है लेकिन जितना भी सिलेबस अभी तक कंप्लीट हो गया है क्या आपको वो सब करते आ रहा है क्या इसके ऊपर आपने ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ठीक है क्योंकि अगर आपने वो मिस आउट कर दिया तो फिर पता पड़ा कि अच्छा चलो 90% सिलेबस कंप्लीट हो गया 10% बच गया तो क्या 90% करके आपकी आई क्लियर नहीं होने वाली थी क्या होने वाली थी बिल्कुल ठीक है तो डोंट वेट एंड डोंट थिंक अ लॉट अबाउट सिलेबस कंप्लीशन थिंक अबाउट कि कितना सिलेबस अभी हो गया है क्या हम टीचर ने जितना पढ़ा दिया है उतना ही हमें एक्चुअली सॉल्व करते आ गया है क्या दैट विल बी मच बेटर ऑन योर पार्ट उससे आपका ज़्यादा थिंकिंग भी नहीं होगा आपको टेंशन भी कम होगा जस्ट रिलाय कि हाँ टीचर जितना स्पीड से पढ़ा रहा है उतनी स्पीड से हमारी प्रैक्टिस चल रही है कि नहीं दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एडवाइस ऑल राइट ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेबस कंप्लीशन के पीछे नहीं पढ़ना है आपने सिलेबस जितना भी है उसको अच्छे से करने के पीछे पढ़ना है कि आज अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो रहा है तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइनली अगर आ गया एडवांस में तो क्या हम कर पाएंगे क्या इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दो बजाय इसके कि सीक्वेंस सीरीज अभी तक नहीं हुआ ठीक है ऑल राइट लेट अस सी देखते हैं आगे क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस ठीक है तो यहाँ पर फिर से हम ग्राफिकली सोचने वाले हैं अगर किसी बच्चे ने मिस किया हुआ होगा है ना लास्ट लेक्चर तो थोड़ी सी इशू आ सकती है क्योंकि मैंने इसीलिए काफ़ी डिटेल में ग्राफ डिस्कस किया था ताकि आप लोगों को ये सब टॉपिक बड़ी आसानी से समझ में आ जाए ठीक है बच्चों तो लेट अस सी होपफुली आप लोगों ने क्लास अटेंड की होगी और काफ़ी बच्चे यहाँ पर रेगुलर हैं मैं देख सकता हूँ काफ़ी सारे नाम तो अब याद होने लगे हमें ऑल राइट तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हमारे रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस यस ऑल राइट तो यहां पर हम कैसे देखेंगे बच्चों कि आपको कोई ना कोई इनपुट का रिस्ट्रिक्शन भी हो सकता है इनपुट का रिस्ट्रिक्शन भी हो सकता है ठीक है उसके बेसिस पे आपको फाइनल आंसर निकालना होगा दूसरी बात कि हमने लास्ट क्लास में वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स थे
वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स थे उनका डेरिवेशन अच्छे से किया हुआ है, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए, ये पैराबोला के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स का डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका भी हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट अस सी यहाँ पर हम क्या क्या आंसर बता पाएंगे। रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मतलब क्या है, आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है आपके पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अब इसके अंदर आप एक्स की अलग अलग वैल्यू डालना स्टार्ट करो, कुछ भी डालो इसके अंदर, एब्सोल्यूट रेंज मतलब यहां पर एक्स के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, आप एक्स की वैल्यू उस ब्लैक वाले एक्सप्रेशन में कुछ भी डालो, तो यहां पर डेफिनेटली ऐसा लगेगा आपको कि ये कहीं किसी पॉइंट से नीचे नहीं जा पा रहा, मतलब इसकी मिनिमम की कोई लिमिट है, या फिर कभी कभी ऐसा लगेगा कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर नहीं जा पा रही है वैल्यू, तो मतलब उस केस में इसकी मैक्सिमम की लिमिट है, ठीक है। कब क्या होता है वो डिस्कस करते हैं फिर से, लेकिन ग्राफिकली करेंगे। ऑलराइट, तो अगर मेरे पास ए ग्रेटर देन जीरो वाला सिनेरियो है, अगर मेरे पास ए ग्रेटर देन जीरो वाला सिनेरियो है तो मैं एक ग्राफ इमेजिन कर सकता हूं कि नहीं, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा उसको। और अगर मेरे पास ए लेस देन जीरो वाला सिनेरियो है तो उसका भी ग्राफ इमेजिन कर सकता हूं, उसका ग्राफ डाउनवर्ड फेसिंग रहेगा, ठीक है। लेकिन अपवर्ड फेसिंग हो चाहे डाउनवर्ड फेसिंग हो, वर्टेक्स के जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं वो तो वैल्यू सेम आती है, फॉर्मूले वाइज वो वैल्यू सेम आती है, कितनी आती है, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। ऑलराइट, ये इसका कोऑर्डिनेट होता है। और वैसे ही यहां पर भी जो हाईएस्ट पॉइंट दिख रहा है आपको, ये कितना आएगा, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है जो हमने लास्ट क्लास में डिराइव भी किए थे। ऑलराइट, तो अब देखो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस सिनेरियो में ये जो ग्राफ है इसका रेंज बताओ, तो आप क्या बोलोगे, क्योंकि अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है तो ऊपर वाली रेंज तो कुछ है नहीं इसकी, ये तो जाते रहेगा, ये कहीं भी खत्म होने वाला नहीं है, ये तो ऊपर ही ऊपर जाते रहेगा, इसलिए इसका मैक्सिमा कितना आएगा बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी इन्फिनिटी तक जाएगी। लेकिन क्योंकि अपवर्ड फेसिंग है तो मुझे ये पता है कि इसका लोअर मोस्ट पॉइंट क्या होने वाला है, जो वर्टेक्स है वही उसका लोअर मोस्ट पॉइंट होने वाला है, तो वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट जो है उसके नीचे ग्राफ नहीं जा सकता। लेट अस ट्राई टू कंप्लीट दिस लाइक दिस, है ना, लेट अस से ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ब्लू से जो मैंने ड्रॉ किया, लेट अस से दैट इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो यहां पर शायद आपको और क्लैरिटी आ रही होगी कि यहां पर ये जो ग्राफ है इस पर्टिकुलर पॉइंट के नीचे, है ना, नहीं जा पा रहा है, तो इसके ऊपर ही अगर इसने रहना है तो मैं इस बात को बोलूंगा कैसे, मैं बोलूंगा कि ये माइनस डी बाई फोर ए से लेके इन्फिनिटी तक रेंज बताएगा अपवर्ड फेसिंग वाला। लेकिन अगर डाउनवर्ड फेसिंग वाले की बात करेंगे तो यहां आ जाते हैं, डाउनवर्ड फेसिंग वाले में लेट अस से मेरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसा कुछ है, कहीं पर भी हो सकता था। ऑलराइट, तो यहां पर मुझे क्या दिख रहा है कि अब ये क्योंकि डाउनवर्ड फेसिंग है तो ये नीचे तो कहीं रुकने वाला है नहीं, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी, जो यहां पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, एफ एक्स कहां से कहां तक जाएगा ऐसा हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, लेकिन अगर आप देखते हो तो यहां पर एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब उससे ज्यादा आंसर वो निकाल नहीं पा रहा है, और वो पॉइंट कौन सा है, उस पैराबोला का वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स का जो वाई कोऑर्डिनेट है फिर से दैट क्रिएट्स द सीलिंग, उसके ऊपर हम नहीं जा पा रहे हैं। ऑलराइट, इसका मतलब इस बार वो मैक्सिमा जैसा काम कर रहा है, कब, जब डाउनवर्ड फेसिंग आपका ग्राफ है तब, ठीक है। ऑलराइट, अगर डाउनवर्ड फेसिंग ग्राफ है तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई फोर है, इस तरह से आप इसका आंसर बताने वाले हो, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया, जब मैंने आपको कोई रोक टोक ही नहीं दी, मैंने आपको कोई कंडीशन ही नहीं दी एक्स वन एक्स टू पे, तो यहाँ पर चीज़ें आसान हैं, वर्टेक्स या तो मिनिमम वाला पॉइंट होगा या फिर वर्टेक्स मैक्सिमम वाला पॉइंट होगा। लेकिन अगर मैं आपको कोई रिस्ट्रिक्शन दे दूँ, ठीक है, जैसे कि ये अगर मैं बोलता हूँ कि एक्स वन से एक्स टू के बीच में ही, एक्स वन से एक्स टू के बीच में ही आपको इनपुट अलाउड है, अब बताओ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो वैल्यू है उसका मैक्सिमा कितना होगा और मिनिमा कितना होगा, ठीक है। नाउ दिस क्रिएट्स अ लिटिल प्रॉब्लम, ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा और क्लियरली सोचना पड़ेगा कि अगर इनपुट पे रिस्ट्रिक्शन आ गया, यहाँ पर इनपुट पे रिस्ट्रिक्शन नहीं था तो आपने पूरा ग्राफ एनालाइज कर लिया, लेकिन अगर इनपुट पे रिस्ट्रिक्शन है, लेट्स से यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर यहाँ पर मेरे पास इनपुट पे रिस्ट्रिक्शन है कि मेरे पास तो नहीं एक्स वन से लेकर एक्स टू तक ही इनपुट अलाउड है, तो अब इस केस में इसका मिनिमा जो है और मैक्सिमा जो है वो भी तो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, अब आपके पास इन्फिनिटी तक भी इन्फिनिटी तक जाने नहीं वाली वैल्यू और माइनस डी बाई फोर तक भी जाएगी कि नहीं जाएगी उसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें थोड़े केसेस डिस्कस करने पड़ेंगे ऑब्वियसली। तो पहला केस क्या है कि माइनस बी बाई टू ए, ये क्या होता है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, क्या होता है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होता है। वर्टेक्स जो है वो रिस्ट्रिक्शन वाली रेंज में आता है कि नहीं आता,
तो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं कि आता है या नहीं आता है. पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि नहीं आता है, डज नॉट बिलोंग टू. मतलब आपका ग्राफ कैसा बन रहा होगा, लेट अस से ऐसा कुछ है. तो आपने यहाँ पर बता दिया कि वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है और यहाँ पर लेट अस से आ गया एक्स वन, यहाँ पर आ गया एक्स टू. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में वर्टेक्स कहाँ है, बाहर है. एक्स वन एक्स टू जो अलाउड रेंज है वो अलग है. तो आपने इस बार ग्राफ कितना बनाया है, जितने अलाउड एक्स है उतना ही बनाया है. तो जिसको मैं ब्लैक से शेड कर रहा हूँ इतना ही मेरा ग्राफ है, मेरा ग्राफ इतना सा ही है. तो इतना सा ही अगर ग्राफ है तो एक्स वन पे जो आउटपुट आया एफ एक्स वन वो मेरा मिनिमा हो जाएगा और एक्स टू पे जो आउटपुट आया एफ एक्स टू वो मेरा मैक्सिमा हो जाएगा. ठीक है, तो ये अलग केस बहुत ही आसान है. लेकिन एक्स वन एक्स टू की जो रेंज मैंने रिस्ट्रिक्ट करी है वो हो सकता था किसी और ने वैल्यू दी होती तो मैंने शायद यहाँ रिस्ट्रिक्ट किया होता. अगर x1 x2 यहां पर है तो उस केस में मिनिमा कौन बता रहा है, x2 बता रहा है. तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि मिनिमा कौन देगा, मिनिमा x1 वाली वैल्यू देगी या मिनिमा x2 वाला वैल्यू देगा, आई डोंट नो दैट. तो इसलिए मैंने इसका जनरलाइज एक्सप्रेशन कैसा क्रिएट किया है उसको देखो ध्यान से. एफ एक्स वन और एफ एक्स टू निकाल लो, अगर आपको x1 x2 रिस्ट्रिक्शन दे दी है. अब इस रिस्ट्रिक्शन में बताओ कि क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम मिनिमा कितना होगा, तो अब एंड पॉइंट्स पे वैल्यू एक्चुअली निकाल लो. ठीक है, एंड पॉइंट्स पे अगर वैल्यू निकाल लिए तो उनमें से जो भी बड़ा है वो मैक्सिमा में चला जाएगा. उसको लिखने का तरीका समझ में आ रहा है बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, दो अलग अलग वैल्यूज हैं, एक एफ एक्स वन वैल्यू है, एक एफ एक्स टू वैल्यू है और आगे लिखा है एम आई एन. एम आई एन मतलब इन दोनों में से जो मिनिमम है उसको कंसिडर करो. और आगे मैंने क्या लिखा है, एफ एक्स टू और एफ एक्स वन दो वैल्यूज हैं और आगे लिखा है एम ए एक्स. इसका मतलब क्या है, उन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको कंसिडर करके आप एक एक्सप्रेशन क्रिएट कर लो, वो आपका रेंज होगा, ऐसा हम लिखते हैं. ठीक है, ऑलराइट, एग्जांपल करते हैं और अच्छे समझ में आएगा आपको, डेफिनेटली. यस, ऑलराइट. यहां पर लेकिन ध्यान रखना कि ये डिस्कशन कब हो रहा है, ये डिस्कशन तब हो रहा है जब आपका वर्टेक्स बाहर है. आपका वर्टेक्स गिवन रेंज के बाहर है तो बस एंड पॉइंट्स ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फिर. लेकिन अगर वर्टेक्स कहीं बीच में आ गया, वर्टेक्स अगर बिलोंग कर रहा है, वर्टेक्स मतलब माइनस बी बाई टू ए, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट अगर बिलोंग कर रहा है एक्स वन से एक्स टू के बीच में, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, थोड़े ध्यान से कैलकुलेशन करना पड़ेगी. अगर ऐसा है आपका ग्राफ तो उस केस में तो मिनिमा कहाँ आ जाएगा, लेट से यहाँ पर आपका एक्स वन है, यहाँ लेट से आपका एक्स वन है और यहाँ आपका एक्स टू है. तो एक्स वन से एक्स टू के बीच में क्या आ गया, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट भी आ गया. तो मिनिमा तो टेकन केयर है, मिनिमा तो वर्टेक्स पर ही आएगा. ठीक है, लेकिन अब मैक्सिमा में डाउट है. अब मुझे क्या करना पड़ेगा, x1 और x2 के वैल्यूज को कंपेयर करके देखना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा है. जो भी बड़ा है वो मेरा मैक्सिमा का वैल्यू हो जाएगा. यहां पर हम क्या कर रहे हैं बच्चों, रिस्ट्रिक्टेड रेंज में मैक्सिमा मिनिमा निकालने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन यहां पे और ध्यान से देखने की जरूरत है. ये जो ग्राफ है ये डाउनवर्ड फेसिंग भी तो हो सकता था, किसी ने ऐसा अलग से तो बोला नहीं था मुझे कि अपवर्ड फेसिंग ही लो. कहीं पर भी लिखा हो नहीं, देखो कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि यहाँ पर डाउनवर्ड फेसिंग या अपवर्ड फेसिंग की बात हो रही है. तो मैंने दोनों चीज़ों को कंसिडर करके चलना चाहिए. तो अगर ये डाउनवर्ड फेसिंग होता उस केस में तो क्या कंसिडर हो गया होता, मैक्सिमा तो कंसिडर हो गया होता वर्टेक्स पे, लेकिन मिनिमा के लिए कैलकुलेशन चल रहा होता. आई वॉज समझ में. तो अब दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आप मिनिमा के लिए लड़ रहे हो या फिर आप मैक्सिमा के लिए लड़ रहे हो. लेकिन अगर वर्टेक्स बीच में है तो कोई एक वैल्यू तो टेकन केयर ऑफ, वर्टेक्स पे या तो मिनिमा आएगा है ना अगर अपवर्ड फेसिंग है तो, या फिर वर्टेक्स पे मैक्सिमा आएगा अगर डाउनवर्ड फेसिंग है तो. लेकिन ऐसे केसेस डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत ही नहीं है. अगर आपको संभव ये पता चल गया है कि आपका वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो गिवन रेंज में बिलोंग करता है, तो आप तो तीनों की वैल्यू निकाल लो, आप तीनों पे ही आउटपुट की वैल्यू निकाल लो. ठीक है, तो एक्स वन पे कैसे निकालेंगे, फंक्शन में डाल देंगे तो एफ ऑफ एक्स वन मेरा आउटपुट का आंसर आ गया. एक्स टू पे कैसे निकालेंगे, फंक्शन में डाल देंगे, फंक्शन मतलब जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन उसमें डाल देंगे वैल्यू. ठीक है, तो आपके पास एक्स टू पे आउटपुट आ जाएगा. और लास्ट क्या है, लास्ट एक्चुअली आपका वर्टेक्स वाला आउटपुट है, माइनस डी बाई फोर है. ये तीनों ही वैल्यू निकाल के रख लो, ये तीनों वैल्यू में से जो सबसे छोटा होगा वो एक्सप्रेशन का मिनिमा हो जाएगा और जो सबसे बड़ा होगा वो एक्सप्रेशन का मैक्सिमा हो जाएगा. वो बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है. ठीक है, वन टू थ्री तीन एक्सप्रेशंस उनमें से मिनिमा सिलेक्ट कर लो एंड वन टू थ्री तीन एक्सप्रेशंस उनमें से मैक्सिमा सिलेक्ट कर लो. दिस इज हाउ यू कैन इजीली फाइंड द रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इन रिस्ट्रिक्टेड डोमेन. ठीक है, ऑलराइट. थोड़ा यहां पर एलियन लग रहा होगा थॉट, जल्दी से एक सिंपल सा क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि आपको होल्ड आ जाए इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर. तो यहां पर क्वाड्रेटिक भी मैंने बहुत ही सिंपल वाला लिया है ताकि आपको सोचने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगा. ठीक है, ऑलराइट. देखो यहां पर क्या चल रहा है. ऑल राइट, तो अगर मैं
यहाँ पर देखता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर ये तो है फैक्टराइजेबल, है ना। तो अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन लिखता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर, ऐसा कुछ हो जाएगा, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर ऐसा ये फैक्टराइज हो गया। तो यहाँ पर वन और फोर क्या हो गया, इसके रूट्स हो गए। रूट्स क्या होते हैं, जहाँ पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, जहाँ पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है वो रूट्स होते हैं। तो ये ग्राफ कहाँ कट करने वाला है मुझे समझ में आ गया, तो ग्राफ बनाना आसान है इसका मतलब, ठीक है। ऑलराइट, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, वन है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर वन है, इसका मतलब मुझे दूसरी बात क्या समझ में आ गई कि ग्राफ अपवर्ड फेसिंग है, ठीक है। और अगर मैं इसके अंदर जीरो डालता हूँ तो कितना बनेगा, जीरो डाल के इसकी वैल्यू फोर आती है, मतलब मुझे क्या समझ में आया कि ग्राफ वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा, तो फोर की हाइट पर कट करेगा, ठीक है। ये लास्ट क्लास में हमने तीन चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालना सीखे हैं, उसको मैं यहां पर डिस्कस करके ग्राफ बना रहा हूं बड़ी आसानी से, ठीक है। तो कोई भी लेक्चर अगर मिस नहीं करोगे तो आपको काफी बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूटी आपकी बनी रहेगी, ठीक है। सो आई गेस ऐसा कुछ मैं प्लॉट कर सकता हूं, यहां पर यह फोर हाइट पर कट कर रहा है, ये कट कर रहा है मतलब वन है, और यहां कट कर रहा है मतलब फोर है। तो यहां पर आप माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए का यूज करके वर्टेक्स का वैल्यू निकाल के रख सकते हो, ठीक है। क्या करके, माइनस बी बाई टू ए, लेकिन क्या आपने ये ऑब्जर्व किया है कि माइनस बी बाई टू ए, अगर माइनस बी बाई टू ए नहीं बोलते, माइनस बी बाई ए बोलते हैं, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए एंड सी बाई ए, ये कहाँ पे पढ़ा है हमने, ये रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स में पढ़ा है। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स कितना होता है, माइनस बी बाई, माइनस बी बाई टू ए है लेकिन यहाँ पर। तो क्या समझ में आ रही बात आपको, कि ये तो एक्चुअली जो वैल्यू है वर्टेक्स की, दैट इज एक्चुअली माइनस बी बाई टू ए, मतलब सम ऑफ रूट्स का आधा। सम ऑफ रूट्स का आधा मतलब क्या है, ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट है अल्फा और बीटा का, ठीक है। तो आप वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, इट इज मिड पॉइंट ऑफ अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो यहां पर मिड पॉइंट अगर निकालोगे, माइनस बी बाई टू ए से निकालो, चाहे अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू से निकालो, कितना आ रहा है वो, 2.5 आ रहा है, ठीक है। तो 2.5 पे कहीं ना कहीं आपके पास एब्सोल्यूट मिनिमा तो है, ठीक है। ऑलराइट ऑलराइट, दीपक वांट्स ऑल द फॉर्मूले लिस्ट, हाँ बेटा मैं दे तो दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास सारे पीडीएफ्स तो अवेलेबल हैं ही, ठीक है। इसको चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलेस एक साथ लिखे हुए, है ना, हाँ काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन ऐसे तो मेरे ख्याल से और भी अवेलेबल है, है ना, आप तो केवल नेट पर डाल दो कि चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस, तो किसी ने पीडीएफ बना कर रखा होगा, है ना। लेकिन उसका फ़ायदा क्यों नहीं होता है, उसका फ़ायदा इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपने नहीं लिखा, है ना। इसलिए जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था तो मैं बार बार ये बोला था कि फॉर्मूले की बुक बनाना स्टार्ट करो। अगर ऐसा आपके पास होगा, फॉर्मूले की बुक अगर आपके पास होगी खुद की बनाई हुई, तो ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी और ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगी। लेकिन आई गेट योर सजेशन, दे सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना, बिकॉज इट्स नॉट ए डेज जॉब, बहुत जल्दी हो जाएगा, है ना। तो दैट इज़ अ गुड सजेशन, दे सकता हूँ। लेकिन आई वुड स्टिल सजेस्ट कि आपने क्या करना चाहिए, खुद से सारे फॉर्मूलेस की बुक बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, तो देखो अब पहला वाला जो केस है ना, पहले वाले केस में तो मेरे पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक्स कहीं से भी कहीं तक जाने दो, ऐसा बोल रहा है। अगर बोल रहा है एक्स कहीं से भी कहीं तक जाने दो और बोल रहा है कि रेंज निकाल के बताओ उस एक्सप्रेशन की, तो मैं बोलूंगा ठीक है, मिनिमा दिख रहा है मुझे, इसका मिनिमा कहाँ आने वाला है, माइनस बी बाई टू है मतलब फाइव बाई टू, माइनस बी बाई टू है, ठीक है। ऑलराइट, माइनस डी बाई फोर है मतलब कितना हो जाएगा, माइनस डी, डी मतलब कितना होता है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर मतलब 25, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ए मतलब वन और सी मतलब फोर, अपॉन फोर है, फोर ए, ए मतलब वन, ठीक है। आई होप फॉर्मूलेज याद हो गए बच्चों सबको, फॉर्मूलेज अगर याद नहीं है तो यहाँ लिख देता हूँ जल्दी से मैं, वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है दैट इज माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए, डी इज अवर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला दैट आई यूज टू अराइव एट दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। तो ये तो बहुत ही क्लियरली सिंप्लीफाई हो रहा है ना, ऐसा कुछ हो रहा है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो ये कितना हो जाएगा, नाइन बचेगा शायद ये, है ना। तो माइनस नाइन बाई फोर, इसका मिनिमा जो आ रहा है दैट इज एट माइनस नाइन बाई फोर। तो इस केस में आप क्या देख रहे हो कि ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, माइनस नाइन बाई फोर से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर जा रहा है, माइनस नाइन बाई फोर से स्टार्ट होकर ऊपर जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसका आंसर तो आ गया मेरे पास, कितना हो जाएगा, माइनस नाइन बाई फोर से लेके इन्फिनिटी, ये मेरा आंसर हो गया। ये सबसे सिंपल वाला केस था, लेकिन अब ये बोल रहा है कि नहीं, सेकेंड केस में देखो कि एक्स तो जीरो से टू तक ही जा सकता है। अगर एक्स जीरो से टू तक ही जा सकता है तो मैं बोलूंगा ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब आप वर्टेक्स को तो इंक्लूड ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि वर्टेक्स तो कहाँ पर है, 2.5 तक है। तो ये थोड़ा सिंपल वाला केस हो गया,
अगर ये वर्टेक्स को इंक्लूड ही नहीं कर रहा, बस 2 तक ही जा रहा है, तो मुझे तो दिख रहा है ना ग्राफ में कि 0 से लेकर 2 तक ट्रैवल करूंगा, तो इतना सा ही जो रेड से शेड कर रहा हूँ उतना ही ग्राफ बनेगा। तो मैं क्या करता हूँ, 0 पे वैल्यू निकाल लेता हूँ और 2 पे वैल्यू निकाल लेता हूँ, वहां से मेरे पास रेंज आ जाएगा कि ये रेड वाला पोर्शन कहां से कहां तक जा रहा है। ठीक है, तो मुझे क्या क्या जरूरत पड़ेगी बच्चों, एफ ऑफ 0 की जरूरत पड़ेगी, 0 डालो उसके अंदर 4 आ रहा है, और मुझे एफ ऑफ 2 की जरूरत पड़ेगी, 2 डालो जरा कितना आता है, ये 2 डालेंगे 4 माइनस 2 आता है शायद, देखो कितना है, आई थिंक माइनस 2 है ना, यहाँ पर 2 डालेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 8 हो जाएगा और माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना बताएंगे, छोटा कौन सा है माइनस 2, बड़ा कौन सा है 4, तो कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे माइनस 2 से लेके 4। ऑलराइट, अब अगर लेकिन मैं क्वेश्चन मेरा चेंज कर रहा हूँ, मैं आपको 0 से 3 तक जाने की बात कर रहा हूँ, अगर मैं 0 से 3 तक जाऊँगा तो सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्योंकि 3 होगा इस साइड और 0 से 3 में आपके बीच में आ गया है वर्टेक्स, वर्टेक्स अगर बीच में आ गया है तो मिनिमा तो वहीं होने वाला है, मिनिमा तो वहीं होने वाला है, इसका मतलब माइनस 9/4 तो मिनिमा पे आना तय हो गया, लेकिन अब मैक्सिमा कहाँ जाएगा, क्योंकि मैंने ग्राफ ऑलरेडी बहुत अच्छे से बना के रखा है, तो मुझे एक्चुअली दिख रहा है कि मैक्सिमा इस पर्टिकुलर केस में 0 पे जाएगा, अगर नहीं बनाया हुआ होता तो हम क्या करते, यहाँ पर एफ ऑफ 3 का एक्स्ट्रा वैल्यू निकाल लेते, एफ ऑफ 3 का एक्स्ट्रा वैल्यू अगर निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा है ना, 9 और 13 हो जाएगा और 15 मतलब माइनस 2 हो जाएगा। यस, फिर से यहाँ पर भी कितना आंसर आ रहा है, माइनस 2 हो रहा है, होना भी चाहिए था क्योंकि 2.5 के अबाउट वो सिमेट्रिक है, तो अगर 2.5 के अबाउट सिमेट्रिक देखोगे तो 2 पे जाके जो वैल्यू आई है 3 पे जाके भी वही वैल्यू आएगी, है ना। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि अब इनमें से मिनिमा कौन सा वाला है, 4 मिनिमा है, माइनस 9/4 मिनिमा है कि माइनस 2 मिनिमा है, तो माइनस 9/4 मिनिमा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या आया, जो मिनिमम वैल्यू है माइनस 9/4 है, ये समझ में आ गया। मैक्सिमा की अगर बात करूँगा तो फिर से कंपेयर कर लेते हैं इन तीनों वैल्यू में, माइनस 2 बड़ा है कि माइनस समथिंग बड़ा है कि प्लस समथिंग बड़ा है, तो ऑब्वियसली प्लस समथिंग वाले वैल्यू बड़ा है, तो ये कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा। आ रही बात समझ में, ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली यूज द कंसेप्ट, है ना, और पता कर सकते हो कि एक्सप्रेशन का रेंज कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, ऑलराइट, देखते हैं हमारे पास और भी कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्या बिफोर कंटिन्यूइंग विथ आवर नेक्स्ट थ्योरी। यस, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन है बच्चों, है ना, और इसी से रिलेटेड हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा थ्योरी भी पढ़ने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन जल्दी से नोट डाउन करो, इसका हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, लेकिन क्योंकि टाइम अप हो रहा है तो करेंगे इसका सॉल्यूशन डिस्कस हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ऑलराइट, सो जल्दी से इसको नोट कर लो, यहां पर आपको क्या करना है, इफ एक्स इज रियल द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x² + 9x + 17 / 3x² + 9x + 7 कितना इसका वैल्यू आएगा, जल्दी से नोट करो इसको, इस एक्सप्रेशन का आपको मैक्सिमम वैल्यू निकाल के बताना है, थोड़ी सी ट्रिक यूज करोगे तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा यार क्वेश्चन। क्या क्या सीख लिया बच्चों हमने यहाँ पे, अपवर्ड फेसिंग के लिए मिनिमा कितना होता है, -d/4 है, डाउनवर्ड फेसिंग के लिए मैक्सिमा कितना होता है, -d/4 है ना, इसका कहीं ना कहीं आपको यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया उसने, तो विदाउट रिस्ट्रिक्शन वाला यहां पर सिनेरियो आप डिस्कस करके सॉल्व कर सकते हो इसको बड़ी आसानी से। ठीक है, कौन सा वाला, ये पहला वाला। ठीक है, ऑलराइट, चलो तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही, आज हमने क्या क्या देख लिया बच्चों, रेंज देख लिया है और एक्सप्रेशन का साइन देख लिया है, हमारे पास जो अब नेक्स्ट टारगेट बचता है दैट इज टू डेफिनेटली डिस्कस क्वेश्चंस लाइक दिस, जो मैं आपको आज होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन तो आप कर सकते हो विद द लिमिटेड नॉलेज दैट वी स्टिल हैव। ठीक है, इससे आप इस क्वेश्चन को पक्के से कर पाओगे, कोई नए यहाँ पर नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ऑलराइट, सम स्टूडेंट्स आर कमिंग अप विद द आंसर, बेटा आपको आंसर याद है क्या, क्योंकि इतने जल्दी तो मुझसे भी नहीं होता, ऑलराइट, लेकिन बहुत ही बढ़िया बात है अगर आप आंसर बता पा रहे हो इसका तो। हाँ, लेकिन कुछ बच्चे गलत भी बता रहे हैं, तो जो गलत बता रहे हैं डेफिनेटली उन्होंने इसको एक बार फिर से ट्राई करके देखना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, चलो आज के लेक्चर में काफ़ी मज़ा आया, होपफुली आपको भी चीज़ें समझ में आ रही हैं धीरे धीरे, सो इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे, पूरा पोर्शन कवर करते रहेंगे, बस साथ साथ क्या करने की कोशिश करो, अपने साइड से प्रैक्टिस भी करते रहो, क्योंकि स्पीड मैटर करेगी, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर मुझे तो एडवांस में सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे थे लेकिन हमने तो सर 10 ही क्वेश्चन किए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, चलो तो जल्दी से यहाँ पर सब्सक्राइब करो,
यस कितनी बड़ी फैमिली हो गई हमारी, हमारी फैमिली हो गई है कितनी बड़ी, यस नमो सर, यस दो लाख बच्चे में हुई है, बताओ जल्दी। तो नमो सर इज स्टिल हियर, है ना, जस्ट टू ग्रीट ऑल ऑफ यू फॉर दिस पर्टिकुलर इवेंट। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आपने हमें सपोर्ट किया है बच्चों, और इसी तरह से अगर आगे बढ़ते रहेंगे तो डेफिनेटली हमारी फैमिली भी इस तरह से ग्रो होती रहेगी। पार्टी है yes. इस बड़े अचीवमेंट और माइलस्टोन की, एंड बच्चों आपको बता नहीं सकता कि कितना ज्यादा मीन करता है हमारे लिए। इंस्टेड बहुत ज्यादा अच्छा है, एंड इंस्टेड नॉलेज एम फॉर 1 मिलियन, 1 मिलियन एवरीवन, ठीक है। और वो बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी होगा, क्योंकि यार 2 लाख कितने टाइम में हुआ है, जल्दी बताओ कितने टाइम में हुआ है 2 लाख, कोई बता सकता है? इन ऑलमोस्ट नो टाइम, राइट? इन मतलब कितना टाइम हुआ है जेई लाइव डेली को स्टार्ट हुए हुए? ओके, समवेयर क्लोज टू 2 मंथ्स एंड सम डेज में 2 लाख हुआ है। 2 मंथ्स एग्जैक्टली, वाओ, इन जस्ट 2 मंथ्स एग्जैक्टली। सो गाइज थैंक यू सो मच, और अगेन अगर आप हमारे साथ प्लस पे भी जुड़ना चाहते हो तो अगेन आप चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में, हमने बहुत अच्छा वीडियो भी बनाया है टू एक्सप्लेन कि प्लस में क्या प्लस है। हमारे साथ अराउंड 1700 बच्चे ऑलरेडी प्लस पे जुड़ चुके हैं, टेलीग्राम पे आ चुके हैं। That is also phenomenal. मतलब आप इतने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे हमें सपोर्ट करोगे, हमने कभी इतने जल्दी नहीं सोचा था, लेकिन डेफिनेटली जो कॉन्फिडेंस आपने हमारी टीम में दिखाया है ना, दैट इज़ रियली अप्रिशिएबल। हम रियली उसके लिए आपके लिए थैंकफुल हैं, और इसी तरह से सपोर्ट करते रहो, हमारे साथ जुड़े रहो ऑन यूट्यूब एज वेल एज ऑन अकेडमी प्लस, जहाँ पर हमारी पूरी टीम मौजूद है, और इंडिया के और भी काफ़ी सारे अच्छे आपको वहाँ पर ट्यूटर्स मिलेंगे। अगर आप इन सब से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको आई आई टी तो मतलब कुछ नहीं है, है ना, जेई जेई एडवांस सारे हम क्लियर कर लेंगे बड़ी आसानी से। तो डेफिनेटली गाइस यस ऑलराइट, तो कंटिन्यू करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। एक्चुअली बताना चाहता हूं कि हमारी टीम से जितने भी एजुकेटर्स हैं, आई मीन हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स गेट सिलेक्टेड एवरी ईयर, बट हम कभी क्लेम नहीं करते, बिकॉज दैट्स अ बिजनेस, अंडरस्टैंड दैट एंड स्टे अवे फ्रॉम इट। क्योंकि जहां पे भी क्लेम होता है, एक बच्चे को 10 जने भी क्लेम कर लेते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू फॉल फॉर इट, फॉल फॉर द करेक्ट एजुकेशन, द वन दैट यू अंडरस्टैंड। ओके, बिल्कुल। So that's a very important thing, क्योंकि marketing is a different thing and real education, that serious business बच्चों, and that is something which you should focus on right now। पढ़ाई करो, revise करो, ये सारे lectures जो 7-8-9 देखते हो सुबह के 7-8-9 पे revise कर लो, अगर आप अगर आप डमी स्कूल में नहीं हो तो थोड़ा और जल्दी, बट revise जरूर करो, नहीं तो retain नहीं कर पाओगे, retain करोगे तो you will thank us later, ठीक है। चलो thank you so much बच्चों, see you, bye, bye bye, take care, yes। तो हम पार्टी में जा रहे हैं, वी आर जस्ट गेटिंग देयर, चलो बाय।